अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। क्या हाल है पहले मेरे भाइयों, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, जहाँ भी रहें खुश रहें, बात रहें हंसते मजाके में फोटो की तरह। तो शाम का भी लोग स्टार्ट तो चलते हैं, तो हर सरप्राइज देनी है तो ज़रूर देंगे। तो कौन आया हुआ है, तो कौन आया हुआ है तो आपको फिर बता देंगे। तो सरप्राइज देना था तो आप दे रहे हैं, अब दे रहे हैं सरप्राइज। तो आप फुल सपोर्ट करनी है हमको, तो चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है। ठीक हो गया दोस्त के लिए, तो दुआ भी करती हैं सब, किसी औलाद नहीं अल्लाह तला औलाद दे तो बीमार है अल्लाह तला छुपा दे। तो आप चलते हैं बड़े 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 ढोलो अत्या, ये जी ढोलो आया हुआ है। तो ये देखिए जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाफोज कहाँ जा रहे हो, क्या कहाँ जा रहे हो भाई? नहीं जाना बबू है, बबू बबू बबुआ आए कंधे बच्चे फड़ 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 हाँ फड़ 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 हाँ फड़ 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 हाँ फड़ 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 बस बस सुन बस। ये जी मेरान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है? ठीक। तबीयत शबीयत? ठीक। कहाँ गया था? वो अलीपुर फोर्ट के पास। वहाँ भाग गया? हाँ। कैसा सफर रहा? ठीक रहा। क्या स्कूल से तो पढ़ गए? हाँ। अच्छा तो अब क्या हो रहा? अब खेल रहे हैं। खेल रहे हो? ये जी नूर मोहम्मद, नूर मोहम्मद क्या हाल है? ठीक। क्या कर रहे हो? खेल रहे हो? हाँ। अच्छा आज क्या सुनाने जा रहे हो? सुना दे। पर तो घी भी लेना है, तो लाल मिर्च और क्या सब्जी भी लेनी है, तो फिर आपको दिखाएंगे। तो ठीक हो गया, आप चलते हैं। ये जी मैं आया हूँ दुकान पर, तो घी आया महंगा, तो ये देखें जी ये सामान ले लिया अभी, ये तो घी वाले रहने दो, अबू अम्मी को पूछ के फिर आपको दिखाते हैं। ठीक हो गया। ये जी भिंडी और चीनी और दाल और मिर्चें तो आलू मसाले ले लिए, तो चलते हैं। तो मम्मी को पूछेंगे, घी महंगा है तो इसलिए मैं नहीं ले सकता, तो घर जा के फिर आपको दिखाएंगे। ठीक है, घर जा रहा हूँ। अब क्या जो भी है ले आओ, तो लेने जा रहा हूँ तो आपको दिखाते हैं। ये जी मैं घी ले लिया है, तो चलते हैं घर। तो घर देते हैं, तो फिर आटा भी उठाना है, तो चेह बज चुकी है, तो करने वाला काम होगा फिर आपको देखा। हम घर पहुंच चुके हैं, तो घर सौदे दे दिया, तो आप उठाते हैं और आटा। ये जी हम पहुंच गए हैं चक्के के पास, तो यहाँ से लोग उठाते हैं ये आटा, तो फिर चलेंगे घर। फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं, सेकंड मोटर करा दिया है, तो चलते हैं आगे की तरफ। हाँ भी नंबरदार, क्या हाल है? ठीक ठाक। आज तेरी अम्मी आ गई? हाँ जी। आज तो बड़े खुश हो गए। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, तबीयत से ठीक है, आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी ठीक हैं जी। तो ब्लॉग का आगाज़ हो चुका है, और तमाम भाइयों के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक साहब को सलामत रखे, जिनके वालदैन जिंदा हैं उन्हें सदा सलामत रखें, और जिनके वालदैन जो है वफात पा गए अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, और जो बे औलाद हैं हमारे देखने वाले, जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको औलाद जैसी नेमत से नवाज दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी कमेंट बॉक्स में हमारी वीडियो के मुतालिक मेहरबानी किया करें, कमेंट अच्छे अच्छे किया करें, अपनी राय भी दिया करें, और हमें ये भी बताया करें कि किस तरह का जो है वो ब्लॉग बनाया जाए, और बच्चे वगैरह भी दिखाए जाएं, या कौन सा जो है किस हिसाब से जो है ये ब्लॉग आपको दिखाया जाए, वो कमेंट में आपने ज़रूर बता देना है,
और हमारी फ्रेंडशिप भाई बहनों का रिश्ता यही भी है कि आप कमेंट के ज़रिए जो है हमें आगाह कर सकते हैं, अपनी आरा दे सकते हैं, अपनी जो है मशवरा दे सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। आपकी बहुत मेहरबानी होगी, बहुत शुक्रिया होगा जी। तो कमेंट बॉक्स में जो भी सवाल वगैरह हो या कोई हो बात, तो वो हमारे साथ कमेंट के ज़रिए ज़रूर शेयर किया करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, नहीं सबसे पहले आके वीडियो को लाइक कर दिया करें, उसके बाद जी शेयर कर दिया करें दोस्तों में इधर उधर, और फिर जो है वीडियो मुकम्मल बात करनी है, वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी, क्योंकि अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा और इससे जो है अल्हम्दुलिल्लाह गरीब इंसानियत की खिदमत होगी इंशाल्लाह ताला, हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये जी अम्मी वापस आ चुकी है साहब, ये देखें प्यारे बहन भाई है, मेरे बेटे और बेटी घर में थे तो चूल्हे का ये इसने हाल बना दिया। अभी जो 2 घंटे हो गए मैं इसको साफ कर रही हूँ, पसीना पसीना हो चुकी है। नंबरदार को जूते लगाओ। बहुत ज्यादा, बस जूते पड़ने वाले थे, बच गया है। ये अच्छा हो गया चूल्हे का, इन दोनों का काम है, इसकी बहन का भी, इसका भी काम है। चूल्हा नहीं था आपका, कर सकते थे आप, चाय बनाते थे, कुछ बनाते थे, मैं साफ नहीं करना होता था। मैं चाय बनाता हूँ। तो 4 दिन गई है बाहर, तो आप गए पीछे, ये हाल हो गया है। तो क्या क्या नुकसान किया होगा इनके आँखों में, इनकी आँखों के सामने मैं ये काम करती, सुबह शाम दोपहर हर वक्त मैं चूल्हा पहले साफ करके। आप कहाँ गए थे, आपको पता तो नहीं है जनाब, वो तो मज़े पे बैठ के जैसे मैं पढ़ा ले आओ तो बस खाते पीते रह गए, खाते पीते रह गए। मैं चूल्हे पे आता कुछ बनाता था, उसको साफ करता था, तो इनके जहन में नहीं आया। बच्चे होते हैं उसकी देखभाल कर रहे थे, कैसे खाना बना रहे हैं, मेहरबानी करें परेशान करके रख दो। बड़ी प्यारी प्यारी तरक्की करते हैं, और हम मैंने आज कह दिया कि कमेंट में जो है अपनी राय जरूर दिया करें, कमेंट के जरिए सब कुछ जो है वो आप देख सकते हैं, तनकीद भी कर सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं, और वीडियो कैसी होती है ये भी आपने बताना है देखने वाले हैं, तो उनके लिए सबसे दुआ जो है और बता अपनी में चले जाओ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, कैसे हैं, उम्मीद करती हूं आप ठीक ठाक होंगे, जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसकर मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, बच्चे भी सब ठीक ठाक हैं। तो अभी जो है हम पहुंच गए अपने घर में, जैसा कि आपको पता है मेरे सगे जो चाचू थे वो फौत हो गए थे, तो हम चले गए वहाँ पौतकी पे। आज जो है उसकी कोलखानी का ख़त्म करवा के हम वापसी आ चुके हैं अपने घर में। तो आप लोगों ने मेरे चाचू के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी है, अल्लाह पाक उसको जन्नत में आला मकाम अता करे, तो आप सब बहन भाई उनके लिए दुआ करनी है। तो अभी ये जी अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह गंदम यहाँ पे आके एंड होती है, इसमें जो है 20 मन में से नसीबा कितने निकाल लिए हैं अभी? दो मन गए, हाँ, बाकी 18 मन, ये मेरे ख्याल में 2 मन, ये 2 मन चले गए, बाकी जो है 18 मन भी पड़े हुए हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गंदम का सटाक है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे लहसुन और अदरक फूट रही है, तो ये मसाले, तो फिर ये भी डालने होगा। वो भी इसी तरह का था, वो बात ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा है। हाँ, आप सोच रही हूँ इसको अभी रख देती हूँ, वो जो है मैंने अच्छी तरह से साफ कर दिया है। अच्छा, पाइप का काम मसाला है यहाँ पर जो है ना, इस जगह पे। अरे इसको क्या करना था, ये देखें इस जगह पे ना पाइप ये जल के, तो फिर ये इकट्ठा हो गया, बहुत सख्त हो गया है, इसको ना उधर काट के। काटने की बात नहीं है हो रही, मेरी बात को समझो। हाँ, ये आपने जिस तरह ऐसे क्यों है, उस तरह इस तरह कर लें, इस तरह करें या इस तरह करें, ऐसे ही हो जाता है। गैस फ्रंट उस तरफ रखें, इसको ले दें, सही हो जाएगा। ये बहुत सख्त हो गया, ये देखें सख्त है या जो भी है। सेट तब्दील कर लें, देखते हैं सही होता है नहीं, क्रैम्प लगा के आगे कर देंगे काट के बस। हाँ, मैं भी ऐसे कह रही थी, इसकी भी हालत ख़राब है। ये भी सुबह इंशाल्लाह।
अभी इसको ना इस बठल में छोड़ दो, पानी में छोड़ दो। सुबह जी इसको देखिए, ये बॉयल होते रहेंगे फिर जो है सही हो जाएगा। अब पकाना स्टार्ट करें। नहीं, पका क्या रहे हैं? आलू और कुछ भी नहीं, बस सादा से सिर्फ आलू। हाँ चलो ठीक हो गया जी, ये भी बड़ी बात है आलू पका रही हो जी। अल्लाह खैर करे, डेली ना आलू पकाया करो, सस्ते सस्ते आलू लेके ना, सब्जी बहुत महंगी। मेरी बात तो सुने ना, सस्ते सस्ते लेके आलू डेली पकाया करो, जो खाए खाए, ना खाए तो ना खाए, बस सीधी बात है। मैं नहीं खाऊंगा। नहीं खाओगे तो फिर भूखे ही रह जाओगे, हमें कुछ नहीं करूँगा। हाँ जी, मैं खाला से लेके आऊंगा। खाला से? हाँ जी, मैं उसको रोक दूंगा। उसको रोक दो, घर से खाता नहीं है, तुम्हारे घर से कैसे खाए? हाँ जी, रोजाना आलू पकेगी, हम कैसे खाएं? मैं बल्कि पहले खाला तेरे को कह दिया है, नंबरदार को ना कुछ भी नहीं देना, सालन लेने आया ना, चाटा लगा कर भगा दे। नहीं नहीं, हम ले गए इंशाल्लाह। तो उसने कहा ठीक है, मैं उसको मारूंगी। उसको मारोगी? मैं चाचू को लेंगे, चाचू मेरे साथ है। वाजी वाह। हाँ जी, बड़ी बात है। चाचू तो आते तुम्हारे? हाँ जी। चल जाके पूछ कि मेरे साथ हो या नहीं हो। हाँ जी, पूछते हैं। मैं नहीं हूँ साथ। हाँ जी, पुदे हैं। आप पूछो जाके। हाँ जी, ये आटा लोया जा रहा है, आटा रो रहे हैं लोग। लो बेटा, आटा गूंदो जल्दी जल्दी, मैंने लगाओ वो भूख लग रही है बेटा। ये जी, अम्मी ने सिलेंडर जला दिया है, तो पकाना स्टार्ट है। अभी जाली की जो है ना, वो सुराख कुछ बंद हो चुके हैं, ये वाला पानी चल गया। हाँ, आग यहाँ पर नहीं आ रही, तो चलो देखते हैं, पानी सूखेगा तो फिर आग जल जाएगी। हाँ जी, तो आप ये लें आलू, इसको अच्छी तरह से धो लें। हाँ जी, ये जी आलू नो लेने जा रहा हूँ तो नलके पे, तो फिर आपको दिखाते हैं। ये जी आलू धो लिए, तब चलते हैं अम्मी की तरफ, तो अम्मी देते हैं आलू लेके जा रहा हूँ। आलू जल्दी करो, जाओ लेके जल्दी पकाओ। हाँ जी, लेके जाते हैं। भागो। हाँ जी, भूख लगी हुई है। हाँ जी अम्मी जी, अच्छी तरह से इसे धो लिए। हाँ जी, ये घी डाल दिया। हाँ, घी जो अभी मैंने डाल दिया, गरम भी हो चुका है, अब इसमें डाल रहे हैं मसाला। जनाब गुस्सा मत करें, चूल्हे की हालत देखिए, दो घंटे जल रहा है ना। नहीं नहीं जल रहा, जल रहा है। फिर इसमें बहुत ज्यादा मेहनत की है, सफाई हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ हाथ को ना हल्का ज्यादा दिया करो। अब डाल रहे हैं लाल मिर्च, ये भी डाल दिया है, अब इसमें अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये जी लहसुन और अदरक, ये भी डाल रहे हैं, ये देखेंगे, ये भी डाल दिए थे। तो अब डाल रहे हैं गरम मसाला, ये भी डाल दिया है। अब हल्दी, ये भी डाल दिया है। आलू डाले जा रहे हैं, ये भी डाल दिए। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको चौकी दे रहा है। अभी आलू डाले हैं, अभी बहुत ज़्यादा इसकी टर्निंग होती है, तो टाइम भी बहुत थोड़ा रहता है। आप जो है दूध लेने भी जाना है। हाँ जी, तो मैं इसकी अच्छी तरह से बुनाई करके अब इसमें पानी डालूंगी, तो आप दूध ले आए। हाँ जी, ठीक हो गया, आप पैसे दें, मैं दूध ले आऊँ। हाँ, आपको पैसे देती हूँ।